पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी के नवायुक्त जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप आज बरेली समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सपा जिलाध्यक्ष ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बरेली जनपद की 9 विधानसभाओं को जिताने का संकल्प लिया है और मैं जी तोड़ मेहनत करके 9 विधानसभा को जिता कर भेजूंगा। शिवचरण ने कहा, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, जो थे वो खत्म हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझ पर भरोसा किया है, तभी हमको बरेली का जिलाध्यक्ष बनाया है। क्षेत्र में नए नहीं हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं। हमारे बूथ, ग्राम पंचायत सभी सेक्टरों में बहुत बढ़िया तैयारी है। कार्यकर्ताओं के संगठन से बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पे भरोसा किया है, तभी हमको जिलाध्यक्ष बनाया है। बरेली की 9 सीटें जिताने का संकल्प लिया है और 9 की 9 सीटें जिताने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, क्षेत्र में दिन रात एक करूंगा। समय बहुत कम है लेकिन चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, कैसे निपटेंगे इससे? समय उनके लिए कम है जो क्षेत्र में नए आए हैं। हम तो सालों से तैयारी कर रहे हैं, हमारे बूथ, ग्राम पंचायत, ब्लॉक सभी सेक्टरों में बहुत बढ़िया तैयारी है और हम लोग कार्यकर्ताओं की मजबूती से, कार्यकर्ताओं के संगठन से बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और संगठन चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी तो बाद में है, संगठन हमारा बहुत मजबूत है। अध्यक्ष जी, आप जैसे जिलाध्यक्ष बने, सूचना आई तो तमाम आपकी पार्टी के अन्य लोगों ने भी सोशल मीडिया पर तमाम आपके मुकदमे की चीजें, डिटेल्स बाहर डालना शेयर कर दी, उस पर क्या कहेंगे? कौन सा मुकदमा? जैसे आप एक तमाम मुकदमे जो बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है लगातार, न्यूज पेपर में भी आ रहा है कि आप पे मुकदमे हैं। आज की तारीख में एक भी चल रहा हो तो बताइए, हमारे पास तो सब खत्म होने के आदेश घर पे रखे हुए हैं, सब शासन से वापिस हो गए हैं, कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। क्या मानती है विपक्ष की तारीफ है, क्या है ये तो आप खुद ही समझ रहे होंगे। जो मुकदमा खत्म हो जाए और खत्म होने के आदेश मजिस्ट्रेट के घर पे रखे हों उसके बाद भी आप लोग छापो तो ये तो साजिश है। क्या लग रहा है बरेली 9 सीटों में कितने में मुकाबला समझ रहे हैं, एक तरफा लड़ाई है क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं, हर बिरादरी का ध्यान रखा है, हर समाज का ध्यान रखा है और संगठन में भी हमारे हर समाज के लोग हैं, हम सब लोग इकट्ठे होकर 9 की 9 सीटें जिताने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, जो शहर विधानसभा सीट पे आज तक बीजेपी से सपा का आपका खाता नहीं खुला, तो वहाँ कैसे? अब की इतिहास कायम होगा, यहाँ से भी प्रत्याशी जीतेगा। कैंट पर भी प्रत्याशी बदला गया है अचानक एकदम, आपके सामने सारी चीजें हैं कि पहले टिकट किसे दिया, उसके बाद फिर टिकट? नहीं, बदला नहीं गया, इतनी बड़ी चुनौती होगी, बहुत पहले से संपर्क में थे और सही समय पर सही निर्णय लिया गया। अध्यक्ष जी, जो रूठे हुए प्रत्याशी जो हैं, प्रत्याशी उन्हें टिकट नहीं मिला है तो अब उन्होंने बगावत शुरू कर दी है, वो कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में कैसे? नहीं, समाजवादी में कोई रूठा हुआ नहीं है, सब एक दूसरे के साथ लगे हैं और लड़ाएंगे। डॉक्टर सियाराम सागर के बेटे हैं विशाल सागर, शालीन सिंह हैं, उन्होंने भी वीडियो वायरल किया, उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे। हम सबको घर जाके मनाने का काम करेंगे और सब हमारी बात मानेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।